इस वीडियो में हम शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसको छोटे फासले पर इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली डिवाइस है, जो पहली टेक्नोलॉजी है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। आपको इस वक्त यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नज़र आ रहा है और उसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन है। स्मार्टफोन के अंदर ये खासियत मौजूद है कि ये किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं कि हम उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी पाई जाती है। अब ये टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या, इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ की, छोटी वेवलेंथ की कुछ रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं और इन छोटी वेवलेंथ की जो रेडियो वेव्स हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती हैं और उसके इसका फ़ायदा ये होता है कि हम बगैर किसी कॉस्ट के, यानी कि बिल्कुल फ्री डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑडियो डिवाइस, ऑडियो डाटा मौजूद है और उसके साथ ये हमारे पास एक एयरफोन है जो कि ब्लूटूथ एयरफोन है और हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस स्मार्टफोन से ऑडियो डाटा पहुँचाएँगे इस एयरफोन तक। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फ़ोन में हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे और उसके बाद डिवाइसेस सर्च करना शुरू कर देगा आपका स्मार्टफोन, जो भी इसकी रेंज के अंदर जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो उनके नाम आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे इस डिवाइस का नाम जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये दरअसल इस डिवाइस का नाम है। जब ये डिवाइस सर्च हो जाएगी तो उसके बाद आपका स्मार्टफोन इस एयरफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे दरमियान में किसी किस्म की कोई वायर मौजूद नहीं है, लेकिन ये खास डिस्टेंस तक काम करते हैं, खास फासले तक काम करते हैं, एक खास फासले तक आप इस एयरफोन को इस्तेमाल कर सकेंगे और इस मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुन सकेंगे। तो इसके अलावा आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो और भी हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप अगर टीवी यूज़ कर रहे हैं, टीवी का जो रिमोट है वो भी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन है। इसी तरह आपको यहाँ पे जो एक और यहाँ पे जो डिवाइस नज़र आ रही है, ये दरअसल क्या है आपके पास, ये एक रिमोट कंट्रोल कार है। आपने देखा होगा कि इसके इस रिमोट और इस कार के बीच में किसी किस्म की कोई वायर मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे पास वाईफाई एक इसकी एग्जांपल है। वाईफाई में क्या होता है कि हम अपने स्मार्टफोन को अपने राउटर के साथ, राउटर जो कि एक डिवाइस है जिसमें इंटरनेट आ रहा होता है, वहाँ से हम अपने इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस समझनी पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो दरअसल हमारे पास एक ऐसी वेव्स हैं जो कि पैदा होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसका एक ख़ास हिस्सा जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो ख़ास हिस्सा क्या है, वो है हमारे पास रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स जो हैं वो एक ख़ास शॉर्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम इस रिमोट से इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं या हम इस टीवी रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी तरह इन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने ये सीखा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वो दरअसल किस तरह से काम करती है और हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी कि छोटे फासले के ऊपर किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन काम करती है।